दीपावली जहां सभी जगह खुशियों की रोशनी बरस रही है, लेकिन जोधपुर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी जिंदगी में अपनों ने ही अंधेरा कर दिया। अपनों की बेवफाई के चलते मासूम और बुजुर्ग की जिंदगी को भामाशाहों, दानदाताओं और समाज सेवियों ने रोशन करने का बीड़ा उठाया है। जोधपुर के समाज सेवी भगवान सिंह परिहार की ओर से संचालित लव कुश संस्थान और आस्था ने इन मासूमों और बुजुर्गों को न केवल संबल दिया है बल्कि उनके जीवन में नई खुशियां भी दी हैं। आपको बता दें कि लावारिस मिलने वाले बच्चों को अपनाकर लव कुश संस्थान न केवल उनको आसरा देते हैं बल्कि उन्हें एक सभ्य नागरिक बनाने का प्रयास भी करते हैं। आज मैंने यहाँ पे जो लवकुश के फैमिली थी, मैंने उनके साथ खाना खाया और मुझे फिर बहुत अच्छा लगा। मैं अभी इनके साथ दीपावली मना रही हूँ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर समय ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को कोई कमी महसूस नहीं हो, ना ही बुजुर्गों को कोई महसूस हो। उसी को देखते हुए हमेशा कुछ ना कुछ आयोजन करते रहते हैं और बच्चों को और बुजुर्गों को लगता है कि ये हमारा सच्चा सही घर है। अपने ही समाज के ये वो बच्चे हैं और वो बुजुर्ग हैं जिन्हें अपनों नहीं प्यार नहीं दिया, दुलार नहीं दिया, और यही वजह है कि लवकुश संस्थान और आस्था ने इन्हें अपनेपन की उस दुनिया से जोड़ा है जहाँ खुशी है, प्यार है, दुलार है। और हर तेरह के त्यौहार में इनको जो खुशियाँ मिलती है वो जो अपने भी ऐसी खुशी शायद नहीं दे सकते। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज़, जोधपुर।